कुछ समय पहले एक बार प्रीता बहुत उदास होती है, जिसकी वजह उसकी माँ सरला को समझ नहीं आ रही थी। और वो एक दिन प्रीता से पूछती है, क्या हुआ है बेटा, इतनी उदास क्यों हो? तब प्रीता कहती है, माँ मेरे पास एक भी डॉल नहीं है, माहिरा मुझे अपने डॉल से खेलने नहीं देती। माहिरा प्रीता की बहन होती है। तब सरला कहती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम दोनों को अलग अलग डॉल खरीद कर दूं। और माहिरा से कहती है, इस डॉल पर तुम्हारे अलावा प्रीता का भी हक है। पर माहिरा डॉल देने से मना कर देती है। तब प्रीता रोते रोते बाहर चली जाती है और बाहर उसे एक भूतिया डॉल दिखाई देती है और वो उसे उठाकर घर ले आती है। ये देख सरला कहती है, ये गंदी सी डॉल कहाँ से उठा कर ले आई? तब प्रीता कहती है, रोड पर मिली। तब सरला उस डॉल को वहीं रखकर आने को कहती है, पर प्रीता नहीं मानती और सरला प्रीता को खुश देखकर डॉल रखने को कह देती है। अब प्रीता पूरा दिन उस डॉल के साथ खेलती रहती है और उससे बातें भी करती है। ये देखकर माहिरा को भी उस डॉल के साथ खेलने का मन करता था, लेकिन प्रीता उसे डॉल नहीं देती थी। एक दिन प्रीता ने अपनी माँ से कहा कि डॉल मुझे चॉकलेट दिलाएगी। ये सुनकर सरला हंसने लगी और बोली, अच्छा ठीक है, और अब तुम खाना खा लो। तब सरला उससे डॉल लेकर कुर्सी पर रख देती है और थोड़ी देर बाद देखती है कि डॉल कुर्सी के बजाय पलंग पर रखी है। इसके बाद सरला को डॉल के ऊपर शक होता है कि कहीं ये भूतिया डॉल तो नहीं, और वो अब डॉल पर नजर रखने लगती है और नोटिस करती है कि डॉल अपने आप आंखें बंद कर सकती है। वो खुद से गायब होकर कहीं भी चली जाती है और जब उस डॉल को खेलते वक्त चोट लगती है तो उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और वो प्रीता से बातें करती थी। इसके बाद सरला प्रीता और माहिरा से कहती है, ये भूतिया डॉल है, छोड़ दो इसे। तब माहिरा कहती है, माँ ये डॉल आप मुझे दे दो, मैं इस भूत के साथ खेलूंगी। फिर सरला उन दोनों के हाथ से वो डॉल छीन लेती है और उसे कचरे में डाल आती है, जिसके बाद माहिरा और प्रीता बहुत रोते हैं। और अगले दिन जब सरला प्रीता के कमरे में जाती है तो देखती है कि किसी ने प्रीता का खून कर दिया है और भूतिया डॉल भी उसके बगल में पड़ी हुई है और माहिरा वहाँ खड़ी है। ये देख कर सरला बहुत रोने लगती है और खूनी का पता लगाती है। तो दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि प्रीता का खून किसने किया है? ये सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का वक्त है और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, सरला अच्छी तरह समझ जाती है कि प्रीता का खून माहिरा ने किया है, क्योंकि माहिरा को वो भूतिया डॉल चाहिए थी। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, माहिरा के हाथों के नाखून पर खून लगा हुआ है। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी और किस किस ने 10 सेकंड में पजल सॉल्व कर ली थी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें।